जानते हैं आप, मुंबई हमले के बाद अब तक पाकिस्तान को 15 डोजियर सौंपे जा चुके हैं, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनाहगारों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिसे कार्रवाई करनी होती है वही अगर आतंकी हाफिज सईद की पैरवी करे, उसे साफ कहे, तो 15 क्या 150 डोजियर भी आप दे दीजिए, पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको आतंकी हाफिज सईद की आतंक कुंडली दिखाते हैं ताकि आप जान सके कि ये कितना खूंखार आतंकी है। फिर भी पाकिस्तान के लिए क्या है साहब, 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड रहा हाफिज सईद, आप जान लीजिए। इस आतंकी हमले में 166 बेकसूर लोगों की जान गई थी। आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का संस्थापक है। आतंकी संगठन जमातो दावा का ये चीफ है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2005 दिल्ली ब्लास्ट और 2006 वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में भी आतंकी हाफिज का हाथ है। 2008 में यूएन ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया और 2011 में भारत ने 50 मोस्ट वांटेड सूची में हाफिज सईद को टॉप पर रखा। 2012 में अमेरिका ने आतंकी हाफिज सईद पर 10 लाख डॉलर का इनाम घोषित किया। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी हाफिज सईद की हैसियत साहब वाली ही रही और अब भी साहब का रुतबा उसका बरकरार है। जिस देश की हुकूमत आतंकी को साहब कहकर बुलाती है, उसे खुलेआम घूमने, रैली करने, यहां तक कि राजनीतिक पार्टी बनाने की इजाजत देती है, उस देश की एक बड़ी एक्ट्रेस को खुद के पाकिस्तानी होने पर शर्म आती है। जरा सुनिए, सबा कमर को सुनिए, कैसे पाकिस्तानी होना उनके लिए अब एक बोझ बन गया। तो जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, I can't tell you. मुझे इतना अपने आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आप के, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। ये वो पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जी जान लगा रहे हैं, इनकी पाकिस्तान नहीं सुनेगा, सुनेगा तो आतंकी की सुनेगा।